अगर ये शाम तक वीडियो नहीं ली गई ना मेरे फोन से, मैं डिलीट मार दूंगा शाम को। भूल के आ जाते हो फोन घर पे, छोड़ के आते हो। तो गाइस आज मैं आई हूँ डीमार्ट, और डीमार्ट में आके थोड़ा सामान ले लिया है, और मैं अपना फ़ोन ना घर भूल गई हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मुझे ना बहुत खड़ूस टाइप के हैं, वो अपना फ़ोन मुझे नहीं देते हैं, और मैं आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ। जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना टाइम लगेगा आने में। गाइस मेरा फ़ोन हो गया चार्ज, ये ले आए हम सामान ठीक है डीमार्ट से, और आज ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। ये लहसुन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और प्याज है, और पनीर ले आए क्योंकि अभी पनीर बनेगा, और साथ में ये सामान आ गया, और दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना मैं आपको नहीं बता सकती। एक तो बच्चा चोर घूम रहा है, ऊपर से ये एक्सीडेंट, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। साथ में आप देखोगे ना, ये भी लेके आ गए थे, और मैगी भी, मैगी एक के साथ एक फ्री थी, तो अभी खाना बनाते हैं पहले। तो मन ना एक अंदर से अजीब टाइप का होता है ना, ऐसा मेरा मन हो रखा है अभी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने रास्ते में आते हुए ना एक्सीडेंट देख लिया, और एक्सीडेंट देख के ना बस नहीं बता सकती मैं आपको। तो अभी नाइट का टाइम है, खाना बनेगा पनीर। तो हमारे घर में क्या है ना, ये पनीर जो है ना, इसीलिए मेमोरी अलग अलग वैरायटी में बनता है। आज हमने क्या किया है ना, इसमें ना कसूरी मेथी डाल के इस पनीर को सोते बोलेंगे नहीं, हल्का हल्का सा तल दिया है। सोते का क्या है, और आज ना मेरा पता नहीं क्यों अपने आप से मन हो रहा था कि वहाँ मेरे को ना ये खाना है, मतलब कच्चा नारियल खाने का मन हो रहा था, और दिमाग में ना मेरे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। मैंने एक ग्लास पानी पी लिया है ठीक है, जब मुझे टेंशन टाइप की होती है ना, मेरा कुछ कुछ खाने का मन करता है, और मैं बेतुका काम करती रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ। सो अभी ना यहाँ पे आप देखोगे हैरी ने सब फैला दिया है, उसको पता नहीं क्या चाहिए, और मैंने ना ये दालें भरनी है, तो मैंने डब्बे धो दिए हैं। अभी ना मैं ना सफाई नहीं कर रही हूँ, करूँगी थोड़े टाइम बाद करूँगी, बट अभी ना पहले नारियल खा लूँगी। आज मुझे फोड़ दो। सो हमारे घर में नारियल फोड़ने वाला आपको सुनाई दे रहा है, इसमें ना बहुत सारा पानी है ठीक है, नारियल फोड़ने वाला ना काम इसमें जी करते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का ना बस इनका ऐसे मस्ती चलती रहती है, और खाना बनता रहता है। तो बोलते हैं ना जैसे कि संडे स्पेशल, तो हाँ आज संडे स्पेशल हो ही गया हमारा। मूवी देखने गए, पार्क गए, और क्या है ना बहुत मस्ती सी करी। और अश्विन जी ना अभी ना बोरिंग टाइप के होते जा रहे हैं, मतलब बोरिंग जिसको बोलते हैं ना, बोरिंग इंसान, तो वो होते जा रहे हैं। और खाली आदमी तो वीडियो बनाएगा ना, काम करने वाला काम करता रहेगा तो बोरिंग ही लगेगा। तो अश्विन जी बोरिंग हो गए हैं। सो ना अभी मैं क्या सोच रही थी ना, मैंने ना आईलाइनर लगाया है, तो ये मैं ना ब्लू हेवन का आईलाइनर लगाया है, तो ना जो लैक्मे का आईलाइनर है ना मेरा, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, मैं ना आईलाइनर लगाना स्टार्ट करूँ अपनी आईज पे, कैसा लगता है ये बताना आप ना कमेंट सेक्शन में। और लिपस्टिक जो है ना मैं खा जाती हूँ, आइसक्रीम खाई थी मैंने तो वो मैं खा गई। यहाँ पे ना टाइम वेस्ट इसलिए हो रहा है मेरा क्योंकि अश्मित जी जब बनाते हैं ना वो बहुत लेट करते हैं, लेट से मीन्स वो धीरे धीरे बनाते हैं, और मैं क्या है ना मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो शूट ही नहीं होता। आज मैंने बर्गर बनाया एंड पोहा बनाया, मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, जल्दी जल्दी बना के, क्योंकि ना एक हाउसवाइफ को ना बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, काम भी करना होता है, खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, झाड़ू पोछा भी करना होता है, वीडियो एडिट भी करनी होती है, वीडियो बनानी भी होती है। इनकी तरह नहीं, आप ना इनको ऊपर से देखो, नीचे से तो ये कुछ और ही हो रखे हैं। हाँ से अच्छा जी, आपके बाल दिखाई दे रहे हैं पता लोगों को। तो हमारा पनीर बन रहा है, और इसको खा के ना सो जाएंगे, खा के मतलब खाना खाएंगे और दूध पिएंगे, दूध इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए, तो उसको दूध पिलाएंगे पहले विशु को। और कल, हाँ कल उसका एग्जाम है, मैं देखती हूँ जाके कि क्या है होमवर्क में। कैसे बस कसूरी मेथी गिरे जा रहे, कसूरी मेथी गिरे जा रहे, पता नहीं किस बात पे है इसमें जी। तुम्हें क्या बता रहा हूँ, कसूरी मेथी से टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है आपको ना, इनको ना मैं ऊपर से दिखाऊंगी आपको।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ना विशु के लिए स्कूल के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। सो पनीर बना था, पराठे बने थे, दूध एंड चोको। विशु ने बोला मम्मा मुझे पराठा नहीं खाना है, मुझे चोको खाना है, तो मैंने विशु को चोको ला के दिया। आप देखो विशु ने किस तरीके की थाली कर दी है। वैन आ गई थी। हमारे जो विशु है ना, खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, और उनको खिलाते खिलाते वैन भी आ गई। वैन वाले भैया को बोला कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, मेरी चाय भी ऐसी रह गई, सारा कुछ ऐसी रह जाता है विशु को खिलाने के लिए। और बच्चा जब बिना खाए स्कूल जाता है ना, तो एक माँ को अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारे महाराज उठ चुके हैं, विशु स्कूल गए हैं। तो मैं ना आज क्या करने वाली हूँ, पहले मैं घर क्लीन करती हूँ, उसके बाद क्या है ना, मेरे को ना ये चेंज करना है। सामान अभी रात लेके आए थे, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे को ना क्या करना है, इस बैग को ना चेंज करना है, मतलब इधर से इधर करना है, क्योंकि आप देख पाओगे ना वहाँ पे ना हैरी ने ना ये पुताई खा ली है, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस दिन उसने खाई थी। मुझे लगा उसकी कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। कुकू कुकू कुकू, देखो ये ऐसे आते हैं मम्मा के पीछे ना, अभी देखना हैरी। देखो 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 देखो, ओ, 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 हैरी जय कर दो जय। तो घर अभी ऐसी फैला हुआ है, तो निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, 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 ये खेलते रहेंगे, मैं काम करती रहूंगी। हाँ हैरी हैरी। और जो भागते हैं ना, ऐसे भागते हैं, देखो हैरी बाय। देखो देखो देखो, गाइज मैं ना हैरी को नहला के सुलाने वाली थी, और इतना में ना विशु महाराज जी आ गए और हैरी सो के उठ गए। कैसे? दुम दुम लक लक दुम दुम। हैरी बल्ले बल्ले। ये देखो ऐसे प्यार से मिलते हैं दोनों के दोनों। इतना प्यार कर दिया स्कूल से आते ही। कैसे प्यार किया? ओए ओए हैरी कह रहा भाई एक बार और कर दो। इनका प्यार है ना। सो अभी ना आप देख पाओगे इधर से ना, मैंने ये हटा दिया है, और हटाने के बाद विशु क्या बोल रहे, विशु क्या आया था? स्काई से चिपकली आ गई थी बहुत तेज, और ऊपर चढ़ गई थी एकदम। सो आप देखोगे ना बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं और काम चलता रहता है, और ये विशु जब स्कूल से आ जाता है ना, तब तो कोई भी काम नहीं होता है। और मेरे को डर है कि हैरी अब आसानी से यहाँ से चप्पल ना उठा ले। और आप यहाँ पे देख पाओगे ना, ये हनीमून के लिए अश्विन जी ने मुझे चप्पल दिलाई थी, और ये बेकार हो गया, मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ। इतनी बार जुड़वाई फिर भी सही नहीं हुई, तो चलो कर लेते हैं फटाफट से सफाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। मैं अपना बैग को इधर से उधर कर रही हूँ। मैं अपने ना हाउस हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी कि सोचा उनके साथ मिलके करवाऊँगी, बट उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा ना पेट में दर्द है, तो सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। सो यहाँ पे वैसे भी ना, अगर एक्स्ट्रा आप काम करवाते हो ना, तो उसके चार्जेस अलग से देने होते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं ना अश्विन जी से ही करवा लेती। यहाँ पे करने के बाद डर लग रहा था कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। देखो देखो इसकी मेहनत देखो, है ना, ये पोछे की बाल्टी में हाथ डालना है। हैरी पिट्टी पिट्टी करो, पैर देख रहे हो, पैर कैसे पिट्टी करो। पैर देखो इसके पैर। सो ये हमारे कुकर का ना अलग ही सीन है, जैसे ही सीटी आती है चारों तरफ छीटे 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 हो जाते हैं, तो मैं डर के मारे बंद कर देती हूँ इसको। चावल के भी बनते, गेहूं के आटे के भी बनते। तो हमें किस चीज के बनाने हैं पिंड, चावल के आटे? आटे चावल अच्छा रहता है, जाके गाय खा सकती है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तो जैसे कि मम्मी का पहला श्राद्ध है, तो कुछ स्पेशल तो नहीं करना, मतलब क्या क्या बनाऊँ? पूड़ी खीर पूरी और उड़द का पापड़। अच्छा उड़द के पापड़ और थोड़े पकौड़े, ऐसे पूड़ी है तो। अच्छा पूड़ी।
कितनी कित पंडित जी कितनी पूरी बोल रहे हो? 21. अच्छा 21 पूरी बनानी है, और पिंड जो बोल रहे हो वो कितने बनाने हैं? अच्छा 12 पिंड, 21 पूरी, और खीर, और वो उड़द की दाल के पापड़। अच्छा ठीक है ठीक है। और पंडित जी एक चीज़ और पूछ रही थी मैं, कब करना है ये, सुबह में करना है कि रात को करना है? ना सुबह में ही करते हैं। अच्छा सुबह में करना है, 8-9 बजे तक। अच्छा अच्छा 12 बजे तक। और वो पंडित जी जैसे कि इन्होंने अपने बाल नहीं दिए थे ना उस टाइम पे, तो अभी बाल करवा सकते हैं? हाँ तो मैं एक चीज़ और भी पूछ रही थी पंडित जी, जैसे ये श्राद्ध में पूजा वगैरह हल्का सा करवाते हैं तो वो आप करोगे क्या? श्राद्ध में छोटी सी पूजा वगैरह होती है तो वो आप करो आओगे क्या? तो बस यही सब बनाना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जैसे उनको, हाँ जी ऐसा तो मैंने कहा कुछ नहीं है ना कि जैसा उनको जो जो पसंद था वो सब बनाना है। अच्छा अच्छा मतलब खीर पूरी, ठीक है पंडित जी। अच्छा खीर रहती है, ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी आपको बुलाना होगा तो मैं अभी बताती हूँ, मतलब कभी भी कर सकते हैं ना, कोई सा भी दिन है ना? सो या फ्रेंड्स, अभी ना शाम हो रही है, अश्मित जी ऑफिस से आ चुके हैं, मैंने भी दिन में थोड़ा आराम कर लिया था। अश्मित जी ने आते ही बोला कि मम्मी का श्राद्ध करना है, तो पंडित जी से कॉल करके पूछो कि कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें होनी है। मम्मी का पहला श्राद्ध है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सुना जाता है कि पितरों को उनकी पसंद की सारी ही चीज़ें बना के खिलाओ तो अच्छा रहता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, उनको बहुत चीज़ें पसंद होती है, सारी चीज़ें बनाना इम्पॉसिबल होता है, तो पंडित जी के अकॉर्डिंग खीर पूरी सबसे सही रहती है पितरों के लिए। आप यज्ञ भी करवा सकते हैं जो पितृ यज्ञ कहलाता है। तो अभी ना श्राद्ध करना है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। मम्मी का पहला श्राद्ध है, और क्या है ना, इसके बाद का वीडियो आपको मिलेगा इस व्लॉग के बाद। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।